ये देखो भाई, आप लोग को लग रहा होगा भैया हम कहाँ निकले आज। आज हम निकल रहे हैं रात्रि के सफर में और हम पूरी रात अभी सफर करेंगे और बाद में बताएंगे आप लोगों की हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज। हेलो गाइस, अगले 12 से 15 घंटे हम करने वाले हैं ट्रैवल, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि हम दिन में नहीं बल्कि रात में सफ़र करने वाले हैं। अब देखना ये है कि क्या पूरी रात हम सफ़र कर सकते हैं या हमारी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने वाले हैं जिसका नाम है यवतमाल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम कोई बाइक या कार में नहीं बल्कि ट्रक में सफ़र करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, ट्रक में, और वो भी दूध ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक में। बाकी हमारे साथ क्या क्या होता है आप हमारे वीडियो में जुड़े रहे, बाकी हर चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं। और ये 10 कौन सा ब्रांड है दिनेश हुआ भाई। कितना टन जा रहा है इसपे? टन में ही होगा ना, कितना टन होगा? 7-8 टन। देखो भैया, ऐसे दूध का बिजनेस चालू। हम ऐसा भी करते हैं कि देखो इतना सारा दूध, रात भर दूध हिलते हिलते दही नहीं हो जाता सवेर तक? रुक जा, ये पकड़ो। आए दूध वाला, आज दूध वाला बन गया भाई। ये देखो इतना सारा दूध आज हम, भैया देखो ये इतना सारा दूध लेके जा रहे हैं। साला इतना दूध पहली बार देख रहा हूँ रे। ये देखो हमने यहाँ पे उतार दिया है, कितना रे? 10 ट्रे। कंपनी में दूध जाता, यहाँ से जाता, फिर से वहीं वापस लेके आया। वही वापस लेके आया। दिनसा दूध डेयरी सेलू, ये थे दूध भी चिल्लर जमा होता कंपनी में जाता, वहाँ से पाउचिंग होके वापस आता है। क्या इधर गाय है? क्या गाय का है? वो लोग लेके आते जाते बेचने के। अच्छा, फिर पैकिंग होके इधर आता। फिर ये हम सप्लायर बन चुके हैं भैया आज के। दूध का ट्रांसपोर्ट तो रेगुलर होता ही है, लेकिन हमको तो घूमने जाना था, वो भी कम खर्चे में, तो हमें इससे अच्छा साधन और कहाँ मिलता। साथ ही हमें ये भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आखिर ट्रक वाले पूरी रात सफर कैसे कर लेते हैं। किधर क्या है? हाँ, अच्छा, मतलब कि लोग यहाँ दूध लेके आते हैं। हाँ, फिर यहाँ से जाता है अभी ये बता सकते हैं। अच्छा, टैंकर में भर के बुट्टी बुरी जाता है, फिर उधर से ये पैकिंग होके आता है वजन करके। रीस क्या बात है, उधर से अपने अपने सब लेके आते हैं अपना अपना दूध और यहाँ से पलटता है कंटेनर में इस पे। ये देखो यहाँ से यहाँ दूध जाता है, फिर यहाँ से इधर 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 फिल्टर उल्टर होता है क्या दूध? अरे सारा दूध इधर आता है, इतना बड़ा टैंकर है। ये देखो आज दूध की फैक्ट्री दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो भैया दूध ऑफिस, कितने सालों से चालू है रे भैया ये? कितने सालों से चालू है? 80 साल। कहाँ पे लिखा ये क्या है? लैब। दूध का टेस्टिंग होता है यहाँ पे ना? सही है भाई, बड़ी बड़ी लैब है, यहाँ पे छोटी लैब है। ये छोटी लैब, पूरा क्वांटिटी क्वालिटी सारा चेक होके जाता है। ये देखो भैया बहुत सारा क्या क्या है चेक वेक होता है दूध का, हमको तो नहीं पता भैया क्या क्या होता है यहाँ पे। दूध कंपनी के मालिक है, दूध कंपनी के मालिक ये वाले बागड़ी। हाँ, ये कंपनी के मालिक है बागड़ी। दिनशा चलो रे भैया, चलो आज का सफर, आज का सफर हमारा यही ट्रक में रहेगा, पूरा रात भर हम घूमेंगे आप लोगों को, कल सवेरे तक का ब्लॉग दिखाएंगे आप लोगों को। पूरा रात भर घूमेंगे आज, हमने आज मूड बना लिया घूमना है तो भैया घूमना है। ये देखो ये वाली गाड़ी में हम लोग आज घूम रहे हैं। गाना तो देख लो, एंटीक एंटीक गाना बजा रहा है। आज हम निकल रहे हैं रात्रि के सफर में और हम पूरी रात अभी सफर करेंगे। ये देखो हम लोग 3 लोग हैं, आज गाड़ी नहीं मिला तो हम लोग ट्रक लेके निकल गए हैं। बड़ी गाड़ी हमारी कहीं चली गई,
इसलिए आज हम उससे भी बड़ी गाड़ी लेके आ रहे हैं। चलो उतरेंगे ना। और उतरेंगे क्या? एक मुलाकात जरूरी है सनम। देखो भाई यहाँ पे 12 वाला लाइट लगा हुआ है, ब्लू रेड पूरा खतरनाक एकदम। क्लब में बैठे क्लब में वैसा लग रहा है। तो आप लोगों को बाद में बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज सोच रहे हो कि भैया आज पागल हो गया ऋषि भैया कि कहाँ जा रहा है रात्रि को। देखो भैया यहाँ छोटा सा घर इसका। ये दूसरा जगह है ना जहाँ पर हम लोग रुके। ये दूसरी जगह है जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है। और यहाँ पे कोई दुकान है, किराना दुकान वहाँ पे। अभी का टाइम है लगभग 11 बज गया है। 11 बजने के बाद मतलब काफ़ी समय के बाद हम लोग इतना दूर आए हैं। और यहाँ पे एक ढाबा है, यहाँ पर हम रुके हैं खाना खाने के लिए। और क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए हम लोग देखते हैं आज की रात में। और ये हम लोग का सफ़र रहेगा आज का पूरी रात भर। मैं ब्लॉग स्टार्ट तो नहीं करने वाला था लेकिन सोचा कि चलो आज कुछ बना ही लें। और हम लोग जैसे ये एक हम लोग यमतवल जिला की तरफ जा रहे हैं और वहाँ नया जिला है मेरे लिए। ये देखो ऐसा यहाँ पे खटिया पड़ा हुआ है, यहाँ पे आराम से लोग बैठ के खाना खा सकते हैं इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं। क्या ये जगह का क्या नाम था भैया? काका को पता है, हम लोग तो नए भैया। ये बंदा भी पहली बार आ रहा है। तो देखते हैं क्या क्या खाने के लिए मिलेगा आज की रात। झारखंड से? झारखंड हाँ वही हाँ 7 नंबर। पूछ रहे ये लोग कहाँ से हो भैया, कौन गांव से? मैं बताया कि झारखंड से हूँ। तो भैया हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। कैसा है आज की रात? वर्दिश कट रही है। वो देखो भैया हमारे कैमरामैन दिख रहे हैं हम लोग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो भैया ये खटिया मिला है हमको बैठने के लिए। इस खटिया में बैठेंगे हम लोग आज और इधर ही खाना खाएंगे। टेबल में बहुत खाया, रेस्टोरेंट में बहुत खाया और आज खटिया में बैठ के खाते हैं। पहली बार हम खा रहे हैं खटिया में। गांव में खाते तो उसका अलग है लेकिन ढाबा में नहीं खाया पहले। आज पूरा रात हम लोगों को सफर करना है, दूध सप्लाई करना है भैया। दूसरा जिला है ना ये वर्धा अलग जिला है, ये यमतवल अलग जिला है। स्पेशल वहाँ पे क्या नवरात्रि का पूजा वहाँ चलता है ना। देखो भैया क्या मिलता है खाने के लिए। हाँ जो है वही ये छोड़ के सब मिलेगा। हाँ नवरात्रि वही चलेगा जो आप लोग का चलता वही। चलो खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। खाने के बाद मिलते हैं। बहुत जोर की भूख लगी भाई। भूख तो लगी है। जितनी देर में हमारा खाना रेडी होता है तब तक हमारे नए सब्सक्राइबर ढाबा वाले दादा अपना ढाबा दिखा रहे हैं और किस तरह से खाना बना रहे हैं और अपने स्टाफ को भी साथ में दिखा रहे हैं। इकड़े बघ, इस तू कर थोड़ा सा। खाना खा रहा है, आजा खाना खाने। ये देखो अपना खाना आ गया है। आजा खाना खा रहे हम, भूख लग गई। आओ भाई लोग खाना खाने आ जाओ। प्याज वाज लेना।
रोटी भूख लगी है भाई अभी तो भाई गाय धरना गिल्टी का उद्या उद्यापासून वाढण नऊ उद्या परवापासून जास्तच आहे. ये दादा हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, हमने इनको अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवाया और फिलहाल तो हम खाना अच्छे से खा लिए और थोड़ी देर बाद हम बस निकलने ही वाले हैं. चलो भैया फिर मिलते हैं, बाय. अरे यार इसके सामने हमारे गाड़ी के सामने और एक गाड़ी आ गया, कैसे घुसेंगे? दरवाजा खुल जाएगा ना? खुल जाएगा क्या दरवाजा? तो हमने खाना भी खा लिया भैया और अब हम निकलने वाले हैं आगे. यहाँ से आगे की ओर अब कितना लंबा सफ़र होगा मालूम नहीं. खाना तो हम लोग खा ही लिए, रोटी खाए, रोटी सब्जी खाए और चावल भी लिए, जीरा राइस. गाना बजने स्टार्ट हो गया. अब लंबा सफ़र है भैया, गाना के बिना तो अधूरा है सफ़र, इसलिए गाना भी चलता ही रहेगा. अभी जिस जगह पे हमने गाड़ी खड़ी की है यहीं से बहुत सारे लोग दूध लेकर जाने वाले हैं. वैसे तो हम यवतमाल पहुंच चुके हैं लेकिन अब बारी है हमारे घूमने की. जब तक ये ट्रक खाली नहीं हो जाता उतनी देर हमें सिर्फ घूमना है. पहले तो हम चाय पी लेते हैं और भाई लोग पोहा खाने वाले हैं. हम लोग थोड़ा सा निकले इधर चाय पीने के लिए. तो ये यहाँ का छोटा सा चौक है, यहाँ पर काफी चहल पहल लग रहा है, लगभग रात के 1:30 बजे हैं. यहाँ पे हम लोग चाय पीने वाले हैं. पर इस जगह को देखो, इतनी रात में भी लोग दिख रहे हैं, इतने सारे दुकान भी खुले हैं. ये इसलिए क्योंकि रात्रि के समय में बहुत सारे पूजा पंडाल में लोग घूमने आते हैं और सबसे फेमस पंडालों में से एक माना जाता है जहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं. भाई हम निकल गए अभी घूमने के लिए मंदिर. मंदिर देखेंगे अभी, माता दर्शन करेंगे अपना. तो इधर पीछे भी लोग जा रहे हैं बहुत कोई. हाँ देखो भैया सब लोग रात रात को पूरा घूम रहे हैं. भैया यहाँ पे चर्च भी है बगल में, बहुत बड़ा चर्च दिख रहा है. इस तरफ से हम आए, यहाँ पे पुलिस थाना मिला, उधर मंदिर है और इस तरफ चर्च है. बहुत लोग घूमने के लिए आए हैं दूर दूर से. बस अभी रात का 2:30 बजे हम लोग घूम ही रहे हैं रात. ये देखो हमारे दोस्त आगे आगे, ये देखो नगर भवन, ये नगर भवन चर्च.
यहाँ पे हम लोगों को दिखा एक पंडाल, यहाँ पर बहुत बहुत से लोग आए हैं घूमने के लिए, पंडाल पे दर्शन करने के लिए, दुर्गा माता का दर्शन करने के लिए। हमारे दोस्त भी आ गए। ये देखो भैया, इन लोगों ने गाड़ी का जुगाड़ किया। कहाँ से? किसका घर से लाया गाड़ी? दोस्त का घर से क्या? भाई के घर। अच्छा, भाई के घर है। चलो भैया, पैदल पैदल हम बहुत घूम लिए, अब हम घूमेंगे गाड़ी में। टेंशन नहीं, बहुत ज्यादा पैर दुख गया। अभी गड्डी से घूमेंगे अपन। इतने सारे पंडाल्स घूमने के बाद सबसे अच्छे पंडाल्स में से दो पंडाल मुझे सबसे अच्छे लगे, एक ये और एक ये। हम इतनी देर पूरा पंडाल घूमने के लिए गए हुए, तब तक यहाँ पूरा अभी माल अभी तक उतरा नहीं है। बहुत सारे लोग अपना अपना माल लेके नहीं गए हैं। लगभग 6-7 घंटे भटकने के बाद हमारी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। फिर क्या था, मस्त 2 घंटे की नींद लेने के बाद जब हम उठे तो पता चला कि हमारी ट्रक उस जगह से दूसरी जगह चल चुकी थी। अब मुझे लगा कि हम निकलने वाले हैं, लेकिन बाद में पता चला कि 12-1 बजे से पहले हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी दूध के ट्रे दिए हुए थे सारे कलेक्ट करने थे, उसके बाद ही हमें निकलना था। फिर क्या, हम चले गए नाश्ता करने। हमने सोचा चलो भैया, जो मिलेगा वही खा लेंगे। सवेरे हमने कंटेनर इतना सारा ट्रे यहाँ पे उतार के रखा हुआ था। ये हमारा बिपिन भाई है। क्या रे भाई, कहाँ जाएंगे अब?
कश्मीर टू कन्याकुमारी दुबई, अभी दुबई जाएंगे। कैसे भी करके कुछ घंटे हमें और बिताने हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमने जितना सोचा था ट्रक में सफ़र करना जितना आसान है उतना आसान भी नहीं। वैसे तो मेरे लिए यह नया ज़िला घूमना सौभाग्य रहा। यवतमाल ज़िले में और भी कई प्लेस हैं, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। तो आप लोग बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम चलते हैं अपने घर। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो और देखते रहो विपिन ब्लॉग। बाय। आगे किसी के चेहरे का रंग खिल गया, पिछला हुआ राज कोई किसको मिल गया। और ये देखो रास्ते में इतना सारा पपीता लगा हुआ है दुकान में। हम लोग उतरे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पपीता ले लेते हैं। कुछ अच्छा पपीता मिल जाए तो बढ़िया है। ये देखो अच्छा लग रहा है देखने में। 50 रुपये किलो पपीता खाओ और पाप से बचो। ये देखो हमको मिल गए हैं पपीता। पपीता खाओ और पाप से बचो। मीठी है भैया, अच्छे स्वादिष्ट है। काका शर्मा गया, मैं तो कभी नहीं शर्मा। और देखो यहाँ पर कितना बड़ा एरिया में यहाँ पे कपास लगाया हुआ है, दूर दूर तक दिख रहा है। ये राइस का फूल, कपास का फूल। हो गया ना।